समाचारની શરૂઆત મધુરા સમાચારથી આરએસએસ દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી રહી છે સીધા જયશ્રુ ત્યાં और इस प्रकार से एक और बड़ी आपदा और विपत्ति के रूप में यह कोरोना की बीमारी आई थी, लेकिन वहीं सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग के कारण, जनता के भी सहयोग के कारण, चिकित्सा क्षेत्र के जुड़े बंधु बहने उनके कारण, सुरक्षा क्षेत्र के बंधु बहने, स्वच्छता क्षेत्र से जुड़े हमारे बंधु भगिनी तथा समाज जीवन के और भी बहुत सारे लोग, उन्होंने देश भर के अंदर इस समस्या के साथ मिल करके जूझने का काम किया। और ये आनंद की बात है, इस देश के समाज ने जैसी एकजुटता दिखाई है वह विश्व भर में अभूतपूर्व है और विश्व के लिए एक सुंदर उदाहरण भी वह बनी है। किस प्रकार से समाज अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ इस आई विपत्ति के विरुद्ध एकजुट होकर सभी भेदभावों को भूलकर संघर्ष में जुट गया और हम तेजी के साथ इस समस्या से बाहर आ रहे हैं। इस सारे कार्य में मीडिया के हमारे बंधु और बहनें, उन्होंने पूरा सहयोग किया है, उन्होंने भी परिश्रम किया है, इस संकट को बहुत निकटता से देखा भी है। अनेक हमारे मीडिया के बंधु और बहनें इसमें रोगग्रस्त भी हो गए और उनको कई बार जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे सभी बंधु और बहनें, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसे मीडिया कर्मी हमारे जिन्होंने अत्यंत कर्मठता के साथ, अत्यंत परिश्रम पूर्वक अपने जिम्मेदारी का निर्वाह किया, वे हर दृष्टि से अभिनंदनीय हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। वर्तमान काल में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, जल्दी से कोरोना का जो संकट है ये पार करके देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, इस हेतु से हमारे हजारों कार्यकर्ता कौशल्य विकास के कार्य में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, उनको छोटा छोटा स्किल सिखाकर उनके सामर्थ्य, उनका अनुभव, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर वे रोजगार प्राप्त करके अपने घर को अच्छे से चला सकें, इस दृष्टि से प्रयत्न चल रहे हैं और यह बहुत सफल प्रयत्न है। लाखों लोगों को इस दृष्टि से रोजगार प्राप्त हो रहा है। मित्रों, राम जन्मभूमि का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आ गया है। 5 अगस्त के भूमि पूजन के बाद सारे देश और दुनिया भर में इसको लेकर अत्यंत उत्साह है। एक भव्य मंदिर शीघ्रता से बने, इस दृष्टि से सारे देश और दुनिया में वातावरण बना है। जो संबंधित न्यास है, उस न्यास के हमारे लोगों ने विश्व हिंदू परिषद को यह आग्रह किया है कि वे देश भर में राम जन्मभूमि के मंदिर और परिसर के निर्माण हेतु
देशभर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सहयोग करे, उस दृष्टि से योजना बनाकर वे देशभर में लगे हैं। हमको ऐसा लगता है कि देशभर में व्यापक संपर्क का कार्य होगा और सभी कार्यकर्ता बंधु मिलकर लगभग 5 लाख गांवों तक संपर्क करने के लिए जाएंगे, जहां पर पहले कभी भी गए हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन को लेकर के भी गए हैं, अनेक बार वहां से कार सेवा में लोग गए होंगे, नहीं भी गए होंगे। देश भर में 5 लाख से अधिक गांवों में ये राम भक्त लोग जाएंगे। हमारा दूसरा अनुमान यह भी है कि 10 करोड़ से अधिक परिवारों में व्यापक संपर्क वे करेंगे। राम जन्मभूमि का मंदिर और उसका संपूर्ण परिसर इतिहास में एक अद्भुत मोड़ है। देश के स्वाभिमान सम्मान का यह प्रतीक है, इसलिए हमारी अपेक्षा भी है कि प्रत्येक घर से वो कुछ न कुछ सहयोग लेकर के आएंगे। ऐसी अपेक्षा की है कि न्यूनतम सहयोग 10 रुपए का, संपन्न परिवार हैं तो 100 रुपया 1000 रुपया, और जिनको परमात्मा ने सामर्थ्य श्रद्धा यह दी है वे और अधिक सहयोग करते हुए इस भव्य मंदिर निर्माण के कार्य में आनंद के साथ वे आगे आएंगे, उसकी चर्चा भी इस बैठक में हुई है। तो आपने जणावी दीधुं आरएसएस द्वारा बैठक योजवामां आवी। उवारसદમાં आरएसएसની समन्वय बैठकનો દિવસ, ત્રીજા દિવસ માટે उवारसદમાં બેઠક યોજવામાં આવી હતી। સર કાર્યવાહક કૃષ્ણ ગોપાલજીની પત્રકાર પરિષદ આપે સાંભળી। આરએસએસની નિયમિત બેઠકો થાય છે અને કાર્યકરો પણ ઘણું કામ પણ કરે છે। વર્ષમાં 2 વાર અખિલ ભારતીય સ્તરની બેઠક થાય તેવું પણ તેમણે કહેવામાં આવ્યું હતું।